डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, During a sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850 each? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, एक शॉपकीपर डिस्काउंट देता है तमाम आर्टिकल्स पे, कितना? 10%। और मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स वो कितना है? वो है 1450। और मार्केट प्राइस ऑफ ई शर्ट वो कितना है? वो है 850। अमाउंट पेड बाय हिम, ये आपको मालूम करना है कि कस्टमर को कितना अमाउंट देना है, किस पे? पेयर ऑफ जीन्स पे और पेयर ऑफ शर्ट्स पे, ठीक है, दो शर्ट्स पे। मगर आपको क्या दिया गया? आपको एक ही शर्ट का मार्केट प्राइस दिया गया, तो दो शर्ट का मार्केट प्राइस कितना बन गया? वो बनेगा 2 × 850। वो क्या आएगा? वो आएगा 2002 × 5 = 10 − 2 = 16 + 1 = 17। क्या आएगा? 1700। तो दो शर्ट का जो मार्केट प्राइस है वो क्या बनेगा? 1700, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स वो कितना है? वो है 1450। मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट इक्वल्स वो किसके बराबर है? वो है 850 के बराबर। किसके बराबर? 850 के बराबर। अब हमें क्या करना है? मार्केट प्राइस निकालना है टू शर्ट्स का, कितना? टू शर्ट्स का। नाउ मार्केट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स इक्वल्स वो क्या आएगा? वो आएगा 2 × 850 इक्वल्स 2002 × 5 = 10 − 2 = 16 + 1 = 17। तो मार्केट प्राइस दो शर्टों का कितना है? वो है 1700। अब क्या है रेट ऑफ डिस्काउंट? वो कितनी है? इक्वल्स 10%। ये 10% डिस्काउंट देता है हर एक आर्टिकल पे, हर एक आर्टिकल पे। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इक्वल सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगा? वो आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस हम करेंगे डिस्काउंट, कितना? डिस्काउंट, ठीक। वो क्या आएगा? वो आएगा 1450 − 10% ऑफ 1450। ये 10% हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये इस पे क्या है? डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट मिलता है, ठीक। वो क्या आएगा फिर? 1450 − 10/100 × 1450। देखो एक जीरो यहां भी और एक जीरो यहां भी, यहां भी एक जीरो है, यहां भी एक जीरो। वो क्या आएगा? वो आएगा 1450 − 145। 10 में से 5 वो क्या आएगा? 5। 4 में से 4 वो आएगा 0। 4 में से 1 वो आएगा 3 और 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये सेलिंग प्राइस है किसका? पेयर ऑफ जीन्स का, पेयर ऑफ जीन्स का, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस किसका? पेयर ऑफ शर्ट्स का, पेयर ऑफ शर्ट्स का। अब हम क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट्स इक्वल वो क्या आएगा? वो आएगा कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस
माइनस हम रेट ऑफ डिस्काउंट करेंगे वो कितनी है, वो है 10%। 1700 माइनस 10% ऑफ 1700 वो क्या आएगा, वो आएगा 1700 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1700। दो जीरो यहां भी और दो जीरो यहां भी, ये क्या आएगा, ये आएगा 1700 माइनस 17 मल्टीप्लाइड बाई 10 वो आएगा 1770। तो ये किसके बराबर आएगा, जीरो में से जीरो, दस में से सात वो क्या आएगा तीन, और यहां क्या रहा है छह, छह में से एक वो आएगा पांच, और वो आएगा इसका जो सेलिंग प्राइस है किसका, पेयर ऑफ शर्ट्स का, वो कितना है, वो है 1530। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है अमाउंट जो एक कस्टमर को देना है, किस पे, पेयर ऑफ जीन्स पे और पेयर ऑफ शर्ट्स पे, पेयर ऑफ शर्ट्स पे। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट द कस्टमर हैड टू पे वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स और टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शर्ट्स, वो कितना है, वो है 1305 प्लस 1530। ये क्या आएगा, 5 प्लस 0 इज 5, 3 प्लस 0 इज 3, 5 प्लस 3 इज 8, 1 प्लस 1 इज 2, वो आएगा 2835। तो इस कस्टमर को कितने अमाउंट देनी है, वो देनी है 2835। ठीक है, देखो अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ए मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। आपको क्या मालूम करना है कि ओवरऑल गेन कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिल्क मैन के पास दो बफेलोज होते हैं, ठीक है, वो इन दोनों को 20,000 पे बेचता है, तो एक पे इसको क्या होता है, गेन होता है 5% और दूसरे पे क्या, लॉस 10%। आपको क्या मालूम करना है कि ओवरऑल गेन और लॉस कितना हुआ इसको। देखो हम यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो, वो कितना है, वो है 20,000। ईच बफेलो का प्राइस कितना है, वो है 20,000। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ टू बफेलोस सेलिंग प्राइस ऑफ टू बेफेलोज वो कितना होगा, वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, वो क्या आएगा 2 2 4 और कितने जीरो आएंगे, और 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, वो क्या आएगा, वो आएगा 40,000। इन दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 40,000। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि एक तो क्या 5% गेन पे बेची जाती है, therefore one is sold at 5% gain, 5% gain। अगर ये 5% gain पे भेजी जाती है तो अगर इसका cost price कितना है 100, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, फिर वो होगा 105। जब इसका सेलिंग प्राइस 105 होगा तभी इस पे क्या 5% गेन आएगा। हम लेंगे लेट इट सीपी इज 100, देन इट सेलिंग प्राइस हो क्या होगा, फिर वो होगा 105। देखो व्हेन सेलिंग प्राइस इज 105 देन कॉस्ट प्राइस सीपी वो क्या होगा, वो होगा 100।
देखो जब इसका सेलिंग प्राइस होता है 105, तभी इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फिर वो होगा 100। देखो जब सेलिंग प्राइस होगा 1, सेलिंग प्राइस होगा 1, देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फिर वो होगा 100 डिवाइड बाई 105। क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 105, तभी इस पे क्या 5% गेन आता है। देखो अब क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस 20,000 होगा तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगा, वो हम यहां लिखेंगे, व्हेन सेलिंग प्राइस इज 20,000 देन सीपी, सीपी किसके बराबर आएगा, वो आएगा 100 डिवाइड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। देखो 5 2 10 5 1 5 5 4 20 5 0 0 5 0 0 5 0 0, ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 4000, वो क्या आएगा 4 1 4 और कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 21। जब आप 4 लाख को किससे डिवाइड करोगे, 21 से, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 19047.61, ठीक है। जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, वो होगा 19047.61 और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा उस टाइम, वो होगा 20,000। जब इसका सेलिंग प्राइस 20,000 होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा 19047.61, तभी इस पे क्या 5% गेन आएगा। तो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि जो ये दूसरी बफेलो है वो इसको किस पे बेचता है, वो 10% लॉस पे बेचता है, ठीक है। अगेन अनदर बफेलो इज सोल्ड एट 10% लॉस, 10% लॉस। देयरफोर देखो अगर इसका कॉस्ट प्राइस होगा 100, तो इसका सेलिंग प्राइस इस टाइम क्या होगा, 100 माइनस 10, वो होगा 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि 10% तो ये लॉस करता है, ठीक। लेट इट इज सीपी इज 100, अगर इसका सीपी किसके बराबर है 100, देन इट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो क्या आएगा 100 माइनस 10 इक्वल्स 90, क्या 90, क्या आएगा 90। जब आप 10% निकालोगे 100 का, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 10 के बराबर, इसीलिए मैंने क्या किया 100 माइनस 10, वो आया 90। देखो जब इसका क्या सेलिंग प्राइस होता है 90, व्हेन सेलिंग प्राइस इज 90, देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है उस टाइम, उस टाइम कॉस्ट प्राइस होता है 100 के बराबर। जब सेलिंग प्राइस होता है 90, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, वो होता है 100 के बराबर। व्हेन सेलिंग प्राइस इज वन, देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, फिर कॉस्ट प्राइस इक्वल, जब सेलिंग प्राइस 1 के बराबर होगा तो उस टाइम कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, वो होगा 100 डिवाइड बाई 90, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज 20,000, तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स वो आएगा 100 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। देखो 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, और कितने जीरो आएगा, और 1 2 3 4 5 जीरो आएगा, कितने 5 जीरो, ठीक, 1 2 3 4 5।
ठीक, डिवाइड बाई किससे करेंगे, 9 से, ठीक है। तो जब आप 20 लाख को 9 से डिवाइड करोगे, किसे 9 से डिवाइड करोगे, वो क्या आएगा, वो आएगा 2 2 2 2 2.22, वो आएगा 22,222.22। देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो इस टाइम क्या है, वो है 22,222। देखो अब आपको क्या करना है कि आपको ओवरऑल गेन या लॉस निकालना है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है। अब हम यहां लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल्स, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 19,047.61 प्लस 22,222.22, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 2 + 1 = 3, 6 + 2 = 8, डेसिमल तो यहां आएगा 7 + 2 = 9, 4 + 2 = 6, 2 + 0 = 2, 9 + 2 = 11, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आया, वो आया 41,269.83। अब आपको क्या निकालना है कि ओवरऑल गेन या लॉस कितना है। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है 41,269.83 और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 40,000। जब सेलिंग प्राइस होगा लेस किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम लॉस होता है। सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर हियर इट इज लॉस, क्या होगा, लॉस। तो लॉस किसके बराबर आएगा, लॉस इक्वल, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस वो है 40,000 माइनस 41,269.83, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1,269.83। मगर इसके साथ कौन सा साइन आएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। क्यों नेगेटिव साइन आएगा, यही नेगेटिव साइन हमें क्या दिखा रहा है कि यहां तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो तो क्या है, जो ये कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। तो इस मिल्कमैन को कितना लॉस हुआ, फिर उसको लॉस हुआ 1,269.83, ठीक है। देखो अगर अब आपको यही लॉस परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकालोगे आप, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट वो किसके बराबर होता है, वो होता है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप इस तरह करोगे, जो आपको वैल्यू आएगा वो आएगा किसमें, परसेंटेज में। मिसाल के तौर पर यहां क्या 10% आएगा, 12% आएगा, यहां 3% आएगा, जो भी वैल्यू आएगा यहां इससे, तो वो किसमें, वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।